सो अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और ये वीडियो है ना, मतलब काफ़ी मेरे दिल से रिलेटेड है, यू नो, बिकॉज आपने थंबनेल में तो ऑलरेडी देख लिया होगा। तो आज जब हम वो भी बताता हूँ मैं आपको, आगे पूरी आपको बताएंगे किस हिसाब, मतलब क्या पूरी स्टोरी है। अमेजॉन किंडल पेपर वाइट और पेपर बैग भी बोलते हैं। सो ये ई रीडर एक आता है, मतलब ई रीडर मतलब आप जो मतलब टैबलेट टाइप ये डिवाइस आता है जिसमें आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। कुछ अराउंड 3000 या कुछ 7000 कुछ बुक्स होती है, मतलब आप अपने हिसाब से जो भी आपको बुक पढ़नी है वो आप बेसिकली इसमें से पढ़ सकते हो। तो ऐसी सॉर्ट ऑफ कुछ पैकेजिंग आती है, देख सकते हो अमेजॉन पेपर वाइट। सो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर इसके अंदर का कंटेंट वगैरह। ऑल दो मतलब अभी तो शायद ये बैटरी है नहीं, मतलब कुछ अराउंड 3 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है। इसको ना मैंने चार्ज किया है, खोला भी आपके सामने पहली बार खोल रहा, मतलब वैसे अनबॉक्स पहले कर ली थी जब आया था तब, बट अभी ये कुछ आई थिंक काम कर रहा नहीं कर रहा, वो भी पता, मैं चार्ज करूँगा फिर पता चलेगा, पूरा देखना पड़ेगा। तो पहले वापस से एक बार अनबॉक्स करते आपके लिए। ओके तो चलिए अनबॉक्स करते। ये कुछ ऐसी सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आता है, अमेजॉन किंडल पेपर वाइट और आइदर यू कैन से पेपर बैग। ओके पीछे लिखा है, मतलब इंग्लिश डच वगैरह सब जो भी लैंग्वेज में मतलब प्रॉपर रीडिंग दी हुई है, जिसको दो लैंग्वेज में समझ आया पढ़ सकते हो। ओके तो ऊपर लिखा है वाईफाई और 4GB स्लैश वो कुछ आई थिंक लिखा है, आई डोंट नो। फिर रीडेबल सनलाइट सेट लिट एंड फोरली पिन पता लिखा है, हाँ शायद दूसरी लैंग्वेज में। फिर 300 PPI टच डिस्प्ले, ओके बिल्ट इन लाइट हो तो ठीक है, वरना रीड ही कैसे करेंगे। और है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। चलो इसको ओपन करते हैं। ओके ओपन करेंगे तो यहाँ अमेजोन लिखा हुआ है एक स्माइल के साथ, जेफ बेजोस जी की स्माइल। ओके ओपन करते हैं। ओके अंदर से ब्लू है और ये कुछ पैकेजिंग दी हुई है, पुस्तकें बिना काम की, अमेजॉन किंडल पेपर वाइट। ओके ओके जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो ये है, देखिए होगा। सॉरी मेरे को ऐसे रख के मतलब अनबॉक्स करनी पड़ रही है, बिकॉज अभी प्रॉपर टूल अवेलेबल नहीं है। जो आपको दिख रहा है ये निशान, ये बैटरी का ही है प्रॉपर, क्योंकि ये 3 साल से वैसे ही डेड पड़ा हुआ है, मैंने इसको चार्ज वगैरह कभी किया नहीं। ओके इसमें केबल थी, जो केबल मैंने यूज़ कर ली फ़ोन में मेरे। ओके और कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। तो कुछ ऐसा है पीछे, और अमेजोन बड़ा सा लिखा हुआ है और ये रहा, और ऊपर की तरफ एक बटन दिया हुआ है और नीचे किंडल लिखा हुआ है, साइड में भी कुछ नहीं है। फिर चार्जिंग के लिए नीचे दिया हुआ है, देखो चार्जिंग दिया हुआ है, बस कुछ खास नहीं ज़्यादा, मतलब ये नॉर्मल है। अभी तो मैंने इसको अभी चार्ज पे लगा दिया, बिकॉज इसमें चार्ज मतलब जीरो एकदम डेड है, शायद ही होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, पर मैंने लगा दिया। और यहाँ पर एक लाइट छोटी सी ब्लिंक हो रही है, ये ऑरेंज टाइप, अभी पता नहीं ये चालू होगा अभी कि नहीं होगा, लेकिन लाइट तो हो रही है। जैसे ही चालू होता है मैं आपको आगे का प्रोसेस भी पूरा बता दूंगा। मैंने इसको ऑल्दो अभी जस्ट चार्ज किया और ये मतलब चार्ज तो हो चुका है, मतलब ये रहा यहाँ पे इसका जो बटन दिया हुआ है, इसको चालू करते पहले। ओके ओके जैसे डिस्प्ले ब्राइट अप हो गई है, तो मतलब बहुत एकदम यू नो मिनिमल सा एकदम इसका जो है ना ये UI है, मतलब बहुत एकदम अजीब सा UI है, पर ये मेरे को कहीं ना कहीं मैक ये अपना जैसे आप देखते हैं ना एप्पल मैक जैसा लगता है, क्योंकि ये जो 3 इसके डॉट दिए हुए और ऊपर से इसमें कुछ सेटिंग में जैसे मैं जाता हूँ ऑल सेटिंग, तो थोड़ा अजीब सा है डिवाइस सेटिंग, ये रहा डिवाइस इनको, देखो जैसे ये वाईफाई और मैक एड्रेस वगैरह ये सब लिखा हुआ है, व्हाट्स न्यू वैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पूरा अपडेट किया हुआ है। ओके तो अभी तो फिलहाल तो अपडेट मांग रहा है तो जस्ट अपडेट कर लेते हैं। जस्ट ये मैंने अभी मतलब पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, मतलब वो एकदम ब्लिंक आउट हो गया था, मतलब ब्लर हो गया था, तो मैं उसमें क्लिक कर रहा तो हो नहीं रहा, लेकिन अब मैंने जैसे वो चार्ज में थोड़ी लगाया अभी वापस मैंने इसको ऑन किया तो वो मतलब ऑप्शन आया, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो ये अपडेट हो रहा है। अभी पता नहीं कितना अपडेट होगा, मतलब इसमें कुछ नया आई थिंक नया UI फ्यूचर मतलब फीचर्स वगैरह कुछ तो नया होगा। सो अपडेट के बाद मतलब इसका जो UI है वो काइंड ऑफ अभी चेंज हो गया है। देखो जैसे ऊपर पहले बैटरी परसेंटेज शो नहीं होता था, वो बैटरी परसेंटेज आ गया है,
वाईफाई का सीन है। अब ऊपर से ऐसे टास्क बार जैसा आता है ना, ये देखो स्लाइड करके नीचे आता है, बंद करो तो ऐसा भी होता है। पहले वो काइंड ऑफ सब बॉक्स स्क्वायर बने हुए थे, अब स्लाइडर बना हुआ है। ओके और नीचे ये डायरेक्ट दो बटन, होम लाइब्रेरी वगैरह। ओके मतलब नॉर्मली है ज़्यादा, यू नो कुछ इतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है नॉर्मली है। फिलहाल है ना वापस इधर, मतलब जैसे अपडेट और किंडल है ना, देखो वापस ये मतलब ब्लोन आउट हो गया है। अभी मेरे हिसाब से वापस थोड़ी देर बाद है ना वापस आएगा, तो वापस इसको मैं अपडेट करूँगा। काइंड ऑफ ऐसा, क्योंकि पहले भी ऐसा था फिर अपडेट आया था, अभी लेट्स सी कैसे इसका अपडेट वापस आता है। तो मतलब आपने अभी ऑलरेडी मतलब आप समझ ही गए थे कि मतलब क्या चीज़ है, मतलब इसमें मतलब आप ये मतलब बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो, जो आप फिजिकली बुक लेते हो आप मतलब एक मतलब अमाउंट पे करते हो, तो उससे अच्छा मतलब ये अराउंड कुछ 11,000 का था मतलब उस टाइम पे, बाकी तो फिलहाल तो अभी वही 10,000 प्राइस होगी। तो मतलब मोटा मोटा यही था कि वीडियो में मतलब मैंने ये मतलब अभी पता चला ये है ना, मैं बताता हूँ जो आपने स्टोरी में आपको बता रहा था ना, स्टोरी ये थी कि जो ये है ना मेरा भाई है ना, मतलब वो एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो है ना AICTE की तरफ से है ना दिल्ली गया था, तब उधर उनको कुछ थर्ड या सेकंड पोजीशन पे आए थे, तो सबको है ना एक किंडल पेपर वाइट दिया था, तो वो कुछ अराउंड 2017 या 18 में आया था। तो मतलब देखा जाए तो मतलब 5 साल हो गए काइंड ऑफ, क्योंकि 2023 भी बस आने वाला है, एक ना 2 महीने रह गए, तो तब का ये मिला है, मतलब अभी तक 5 साल हो गए। मैं 3 साल बोला था मैंने, अभी कल मिले 5 साल, मतलब ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए मैं उसके बाद ये चालू कर रहा हूँ, नहीं चालू नहीं तो एकदम मरा पड़ा था। तो मतलब अच्छा है, ठीक है, मतलब अब किसी को बुक्स वगैरह पढ़नी, क्योंकि जो अपने ओल्ड एज वाले जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज ये मतलब आँख में वगैरह इतना खींचती नहीं है, स्पेशली बुक रीडिंग वगैरह, मतलब आपको कोई भी विकीपीडिया वगैरह सर्च करना है तो उसके लिए प्रॉपर मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन है ये अमेजोन की तरफ से। बाकी लेकिन इतना मतलब वो बोलते हैं ना चर्चित है ही नहीं मतलब कि लोगों में कि ऐसी कोई चीज़, मतलब काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि ये मतलब एक एग्जिस्ट भी करता है ऐसा कुछ अमेज़ॉन का। मेरे को तो बहुत पहले पता, मैं लेके आया था तो मेरे को पता चल गया था। सो वो मतलब वीडियो इतना ही था कि ये मतलब क्या चाहिए। सो देखो कहीं पे भी वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यू नो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि मतलब और ये किसी के पास है और इनके पास कौन सा अपडेट है, कौन सा वर्जन वगैरह है, तो कमेंट में ज़रूर बताओ यार। तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए।